नमस्कार। जर्नी विद संदीप देव चैनल पर आपका स्वागत है। हम सब आज एक सहयात्री की भांति आदि शंकराचार्य पर ये जो शिक्षण माला चल रही है उसके 23वें अंक में प्रवेश करेंगे। 23वां ही है शायद, 23वें अंक में ही प्रवेश करेंगे। और इधर दोस्तों कब संयोग हुए, केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदि शंकर के समाधि स्थल का लोकार्पण किया और आज काशी क्षेत्र में जो उन्होंने काशी कॉरिडोर की रचना कराई है वहां भी आदि शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया है। JWST चैनल के सभी दर्शक परिचित हैं कि काशी में किस तरह आदि शंकराचार्य को भगवान शंकर ने चांडाल भेष में और माता शक्ति ने कैसे दर्शन दिया और कैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आदि शंकर को काशी में ही हुई, आप पिछले अंक में उसको सुन सकते हैं कि शक्ति ने किस तरह से, माता शक्ति ने, शक्ति के बिना शिव सब हैं इसका बोध आदि शंकराचार्य को कराया। और स्वयं भगवान शंकर ने चांडाल भेष में अद्वैत का परम ज्ञान आदि शंकराचार्य को दिया। वहां आज आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना हुई और केदारनाथ में उन्होंने अपने इस इहलोक के शरीर का त्याग किया था। तो आदि शंकराचार्य ये जो बार बार हम सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं अलग अलग तरीकों से, धर्म में प्रतीक का बड़ा महत्व है। ये हम लोग एक श्रृंखला तो कर ही रहे हैं, परंतु अभी दो प्रधानमंत्री जी के संयोग से वो सनातन हिंदू धर्म धर्मावलंबियों को ये एक संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि आदि शंकर के रास्ते चलकर ही पुनः 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 सनातन का उद्धार। और यदि आदि शंकर के शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र अर्थात उन्होंने जो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे, उपनिषदों पर भाष्य लिखे और गीता पर भाष्य लिखे और अद्वैत को स्थापित किया, और शास्त्र जिस तरह से उन्होंने अखाड़ों को संगठित किया, आज सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष यही दो मार्ग है, शास्त्र और शास्त्र, शास्त्र और शास्त्र। सही मायने में होगा शास्त्र और शास्त्र, क्योंकि जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसके हाथ में तलवार एक कसाई के हाथ में तलवार की भांति है, और जिसे शास्त्र का ज्ञान है उसके हाथ में तलवार स्कंद के हाथ में तलवार की भांति है। इसलिए सनातन के लिए यदि जीवन को खपाना है तो स्वयं को अध्ययन रत, मनन रत, चिंतन रत बनाना होगा। इसलिए आदि शंकर बार बार इस काल में प्रतीकों के रूप में हम सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक साधारण सा, मेरे जैसा साधारण सा आदमी व्यक्ति 23 इस पर खंड कर चुका है और अभी तो हम कहीं पहुंचे ही नहीं। तो आदि शंकराचार्य के रास्ते चलने की आवश्यकता क्यों है, ये मैंने पीछे हमेशा बताया है, लेकिन 1200 वर्षों के बौद्ध काल में, और आदि शंकराचार्य के सारे साहित्य आपको कपोत पर उपलब्ध कराए गए हैं, छोटे छोटे पतले पतले एक एक करके पढ़िएगा सब मत, नहीं तो फिर कुछ नहीं पढ़ पाएंगे एक एक करके। तो आदि शंकराचार्य ने जो 1200 वर्ष से बौद्ध धर्म ने, 1200 वर्ष, 1200 वर्ष, अभी तो तुर्क मुगल ब्रिटेन का अभी तो 1000 वर्ष हुए, तो क्यों घबराते। 1200 वर्ष से बौद्धों ने जो सनातन के साथ किया, आदि शंकर और कुमारिल भट्ट ने पुनः सनातन को उबार लिया, तो हम उनकी संतति ऐसा क्यों नहीं कर सकते।
पिछले अंक से शुरू करते हैं, जब वेद व्यास जी ने कहा कि सबसे पहले तुम्हें कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ कर परास्त करना होगा, और आदि शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ की परंपरा से करीब करीब 75 विभिन्न मतावलंबियों, 75 दुर्धर्ष विद्वानों को परास्त कर दिग्विजय यज्ञ यानी पूरी सारे दिशाओं को जीता, सनातन अद्वैत वेदांत को स्थापित किया। 75, 75। और उनकी यात्रा वो आरंभ हुई थी बनारस से, लेकिन यहां आगे जब वेद व्यास जी ने कहा कि कुमारिल भट्ट को अगर तुम परास्त करते हो, उन जैसा वेद उद्धारक, और आपको पिछले उसमें मैंने बताया था कि अलग अलग मतों को बचाकर एक मत, यानी कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया कि सनातन धर्मी भटक जाएगा, वेद पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, पुराण पढ़ेगा, अरण्यक पढ़ेगा, ब्राह्मण पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा। तो यदि आपने गीता का मनन किया है, अध्ययन किया है, तो गीता में भगवान ने सब समाहित कर दिया। वेद भी है उसमें, योग भी है उसमें, कर्म भी है उसमें, भक्ति भी है उसमें, ज्ञान भी है उसमें, और सांख्य भी है उसमें, सब है उसमें। एक शास्त्र से ही उद्धार संभव है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने, लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ आजादी के बाद से की बहुत संस्कृति, बहुत बाद, ऐसे करके भारत को एक संकर प्रजाति दिखाने का प्रयास किया है। हम वर्ण संकर की तरह हूं, हमारा कोई माए बाप नहीं है। यदि हम महाभारत युद्ध में चले, और इस कथा के प्रयोजन में आपको आनंद, और हमारा आपका एक ही आनंद है कि मैं कहीं से कहीं आपको ले जाऊंगा, पर फिर वहां पर लाऊंगा मैं आधुनिकता से जोड़ते हुए, तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए एक सम्राट होने चाहिए भारत में, इसको स्थापित करते हैं। युधिष्ठिर के रूप में एक सम्राट जो राजसी युग कर रहा है, और सारे सम्राट उसके अधीन, यानी भारत की एकता का सूत्रपात भगवान श्री कृष्ण ने किया, और सारे शास्त्रों को बचाकर एक शास्त्र गीता, यानी भगवान श्री कृष्ण ने हमें वो मार्ग दिखाया। जो कहते हैं ब्रिटिशर्स ने भारत एक किए, तो कृष्ण जी ने क्या किए थे, महाभारत क्या है। और वही आधुनिक काल में आदि शंकर ने किया, सारे मतों को, मतवाद को पचाकर अद्वैत वेदांत में ले आना, ताकि जब सामने जो बौद्ध और जैन है उससे मुट्ठी चिर हम लड़ सके, अलग अलग बिखरे तो उंगलियां टूट जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपनी उंगलियों को मुट्ठी बनाने के लिए सबको दिग्विजय यज्ञ में परास्त करना जरूरी था, 75 दुर्धर्ष विद्वान, और तब जाकर हम सामने पंच कर सकते हैं। और उससे पहले, आदिशंकर से पहले, कुमारिल भट्ट ने, आपको कल कुमारिल भट्ट की परसों कथा सुनाई मैंने, वो आप लोग पिछला अंक देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण तक बौद्धों को परास्त करना शुरू कर दिया था, परास्त का सनातन वेद को स्थापित कर दिया। अब कंगूरा उन्होंने बना दिया था, सॉरी नीब बना दिया था, कंगूरे का निर्माण आदिशंकर को करना था, और इसलिए माधवाचार्य जी ने लिखा कि वो भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय यानी भगवान शिव के पुत्र, बड़े पुत्र, देवताओं के सेना नायक स्कंद के अवतार थे, स्कंद के का जन्म हुआ था, तो कुमारिल भट्ट के रूप में, और आदिशंकर तत्व भगवान शंकर के अंश से उपस्थित हुए। तो भगवान अपनी लीलाएं करते हैं, और क्या जन्म का क्या रहस्य होता है, ये भी आप अगर इस पूरी 23 श्रृंखला में अगर आप सुनेंगे तो सब बताए बताया है हमने। तो आज आप आगे चलते हैं, जब वेद व्यास जी से अनुमति लेकर आदिशंकर जब बढ़े, तो सबसे पहले उन्होंने महापंडित भट्टपाद को शास्त्रार्थ में परा पराजित कर, यानी भट्टपाद यानी कुमारिल भट्ट,
को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए प्रयाग की ओर चले, क्योंकि उनको सूचना मिली, पिछली कथा में आपको बताया हूं कि कुमारी भट्ट प्रयाग में, जिसको आज योगी आदित्यनाथ जी ने उस अल्लाहाबाद जैसे कलंक को हटाकर प्रयाग किया, उस प्रयाग यानी उस सदियों से प्रयाग नाम ही है। आदि योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं बदले बल्कि उसको पुनः स्थापित किया। तो आदिशंकर प्रयाग की ओर चले और उन्होंने ये जो सनातन हिंदू को संगठित करने का अभियान शुरू किया, वो वहां से आरंभ किया उन्होंने। उस समय स्थिति क्या थी, पुनः एक बार बताता हूं कि करीब 1200 साल हो गए थे बौद्धों के शासन को। उस समय खासकर अशोक जब बौद्ध बने, सम्राट अशोक, तो पूरा भारतवर्ष लगभग बौद्ध धर्म से अप्लावित हो उठा। राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म होता है, इस बात को मैंने बार बार सत्यापित किया। नेहरू का सेकुलरवाद ही भारत का सेकुलरवाद ही प्रजा का धर्म होता है, और यही अशोक का बौद्ध धर्म प्रजा का धर्म हो गया। उस समय बौद्ध भिक्षु क्या कहते थे जनता में, राजा हमारे हैं, ये देश हमारा है, हमारे द्वारा प्रचलित धर्म पथ को ग्रहण करो, धम्म पथ को ग्रहण करो। वहां प्राकृत भाषा में धर्म धम्म, धम्म पथ को ग्रहण करो, वेद का मार्ग त्याग। वेद विश्वास के योग्य नहीं है, अविश्वसनीय है, क्योंकि वेद के कथन प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रमाणित नहीं होते, वेद के वाक्य परस्पर विरोधी। यही तो हरे और सफेद टिड्डे कहते, बौद्ध और जैन ने जो कहा यही तो वो कहते आज। और इस तरह धर्मांतरण की और इतिहास में धर्मांतरण की जो प्रथम घटना है वो भारत से ही है। तब तो ये उनके हरे और सफेद वालों के तो पैदा भी नहीं हुए थे। तो बौद्ध धर्म में दिखी, इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध की शरण में ही मुक्ति, धम्म की शरण में, और संघ यानी बौद्ध संघ का जो निर्माण किया गया। तो और स्थिति ये हुई अशोक के बाद, पुष्यमित्र सिंह शुंग का जब शासन, शुंग वंश की स्थापना हुई, उन्होंने सनातन को, वही राजा का धर्म प्रजा का धर्म सनातन को उन्होंने पुनः स्थापित किए। जितने हमारे उस समय जितने भी हमारे शास्त्र थे सबको बौद्धों ने विलुप्त कर दिए थे, नष्ट कर दिए थे, छेपक जोड़ दिए गए थे। ये जो आपको रामायण का उत्तरखंड है वो तभी से प्रचलित है। दशरथ जातक कथा जैन बौद्धों में, आपको मैं कई बार बताया हूं, सीता और राम दोनों सगे भाई बहन है जिनका विवाह कराया जाता है। तो इस तरह की विकृतियां जो है हमारे ग्रंथों में मिलावट, तो शुंग वंश में प्रथम बार साहित्य को छेपक से मुक्त कर पुराणों की, रामायणों की, महाभारत की रचना पुनः शुंग वंश में हुआ। राजा ने सनातन की स्थापना करते ही सर्वप्रथम हमारे धर्म ग्रंथों के पुनः वाचन लेखन संपादन की व्यवस्था की, कुछ मित्र शुंग ने जो ब्राह्मण थे। और फिर बाद में आपको गुप्त काल में हुआ, फिर विजयनगर साम्राज्य में हुआ। तो भारत विभक्त हो रहा था, ये जो बाद में हरों का आक्रमण हुआ वो असल में बौद्धों के द्वारा जो भारत को के में दीमक लग गया था, अहिंसा रूपी दीमक लग गया था, उसके कारण हमें हानि हुई। और आपको मैंने आज दिन में कथा बताई है, जब काशी का इतिहास बता रहा था कि काशी के प्रथम आक्रमण को राजा सुहेल देव ने कैसे ध्वस्त कर दिया। तो हम वीर थे और हम वीर हैं,
पर उस वीरता को जो दीमक लग गया वो बौद्ध धर्म के कारण लगा, और उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होता जा रहा था, और कोई भी उस समय चक्रवर्ती सम्राट नहीं रह गया था जो भारत को एक कर सके। कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं था। सनातन हिंदू अपने अपने मतों को लेकर लड़ रहे थे, जैसे आज लड़ते हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के समय कई समाज बने वो लड़ रहे थे, जैसे इस्लामिक साम्राज्य के समय, आपको आज के दिन की कथा जरूर सुनिएगा, वेब पे डाला गया है, कि कैसे स्वयं बनारस से वेद विलुप्त हो गए थे, संन्यास की दीक्षा देने वाला एक ब्राह्मण नहीं बचा था बनारस। ये स्थिति वो हो गई थी, घरों में छुपकर वेद पढ़े जाते थे। तो अलग अलग संकीर्ण मतवाद में, और हिंदू जो आज हम कहते हैं ना कि हम आज भी लड़ रहे हैं, कि हम लड़ते रहे, अलग अलग मत, सबके अलग अलग मत, लेकिन बौद्ध धर्म हो जैन धर्म हो या अलग अलग मत हो, ये शास्त्रार्थ के जरिए लड़ाई लड़ रहे थे। पहली बार भारत ने इस्लाम के आगमन के बाद शस्त्र से धर्म का सफाया देखा, उससे पहले नहीं। बौद्ध के शास्त्र भी शास्त्रार्थ चलते, आदिशंकर ने 75 विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, और सारे बौद्धों को कुमारिल भट्ट ने शास्त्रार्थ में पराजित किया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में पुनः सनातन की स्थापना करने में कुमारिल भट्ट का बड़ा योगदान है, पिछले एपिसोड में आपको बताया है। तो शंकर प्रयाग के लिए निकले, और उन्होंने जो है सबसे पहले वो यमुना किनारे पहुंचे। जब निकले वहां से तो सबसे पहले यमुना किनारे पहुंचे, और फिर उनकी इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण की जो लीला भूमि है वृंदावन चलते हैं, तीर्थ यात्रा, तीर्थ तीर्थ जो आपको मुक्त करे। तो तीर्थ यात्रा, तो वृंदावन चलते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के का दर्शन करते हैं। अद्वैतवादी हैं लेकिन मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। जो जिन जय कई समाज नष्ट हो गए जिन्होंने मंदिरों का विरोध किया, वो उसी पे अकड़े रहे अब्राह्मिक थॉट लेकर। तो अद्वैतवाद का इससे बड़ा संस्थापक सनातन में कोई नहीं, आदिशंकर थे, पर वो मंदिरों का दर्शन करते हैं, और फिर वो वृंदावन धाम के मंदिरों का दर्शन करने गए, और जब वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुके तो उनके मुंह मुख से जो है श्री कृष्णाष्टकम की रचना हुई। श्री कृष्णाष्टकम अगर आदिशंकर का सुनेंगे अद्भुत है, रस में खो जाएंगे। तो श्री कृष्णाष्टकम की उन्होंने रचना की, और भगवान विष्णु की उतनी सुंदर रचना है वो, कि श्रिय श्लिष्टो विष्णु स्थिर चर पूर्वेद विषयो धियाम साक्षी शुद्धो हरिर सुर हंता जनयन गदि संखी चक्री विमल वनमाली स्थिरुचि। बहुत लंबा है, तो कृष्ण जो कृष्णाष्टकम है इसकी जो उन्होंने रचना की, कि भगवान विष्णु तुम ही पालनहार, तुम ही इस जग के त्राता। बाद में सब लड़ते रहे वैष्णव सब, लेकिन आदि शंकर भगवान शंकर के अवतार वो कृष्णाष्टकम, उस विष्णु की, भगवान विष्णु की इतनी सुंदर रचना वो करते। और फिर वहां से वो जो है वृंदावन में कृष्णाष्टमी की रचना करते हुए जो है आचार्य जो है उनकी पूरी लीला भूमि मथुरा वो जाते हैं। मथुरा प्रागैतिहासिक युग से ही बहुत बड़ा तीर्थ है, और जब आचार्य वहां पहुंचे तो मथुरा वृंदावन में बौद्ध जैनों का पूरा एक तरह से, तो कृष्णाष्टकम जो है लोगों में एक उत्साह का वातावरण दिया भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो है उनकी जो रचना है। पुरानी कथा आती है कि जब ब्रह्मा के
पुत्र स्वयंभू मनु ने के द्वारा जो है शत्रुपा के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु के द्वारा शत्रुपा के गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद का जन्म हुआ। राजा उत्तानपाद की जो दूसरी पत्नी जो है के कहने से उनकी जो पहली पत्नी थी सुनीति का जो 5 वर्षीय बालक ध्रुव है उसकी बड़ी अवहेलना हुई थी, जो ध्रुव की कथा आप सुनते हैं। और उस अवहेलना से दुखी होकर ध्रुव जो है भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए ही राजमहल से निकल गया। जंगल में नारद जी मिले और नारद जी ने ध्रुव को जहां तपस्या करने के लिए कहा और मार्ग बताया, वो तपस्या भूमि मथुरा ही। तत्सात गच्छ भद्रम ते यमुना यमुना यस्य तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सन्निध्यम नित्यदा हरे। यमुना के किनारे मथुरा में प्रभु नित्य हैं, भगवान विष्णु साक्षात हैं। ऐसे थोड़े भगवान श्री कृष्ण उस भूमि को चुने। और उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि जो हमारे 3 देव हैं शिव राम कृष्ण, उसकी भूमि उत्तर प्रदेश है। तो हे पुत्र, नारद जी कहते हैं ध्रुव को, तुम यमुना तीर के पवित्र तथा शांति प्रद मथुरा में चले जाओ। वैकुंठ के समान मथुरा में मैं श्री हरि नित्य वहां पर श्री हरि नित्य विराजमान हैं। इसलिए जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बार बार आएगा कि लोग मथुरा पर क्यों आक्रमण कर रहे हैं पश्चिम से। इतिहास की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा मथुरा का वो जो साम्राज्य है, जो बाद में आपको उसके आसपास आप मथुरा, उसके बाद देखिए हस्तिनापुर है, फिर इंद्रप्रस्थ है, और जो मनुस्मृति है उसमें जो प्रधान लोक बताए गए हैं कि ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र था, पूरा कुरुक्षेत्र था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भगवान कहते हैं। तो कुरुक्षेत्र ये जो पूरा पूरी भूमि है वो धर्म की भूमि है। तो ध्रुव को आप जो ध्रुव तारा देखते हो, हमारे सनातन शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु यही उसको ध्रुव को वरदान देते हैं कि वो अपने पिता के गोद में नहीं बैठ सका, वो सबसे ऊंची आसमान सबसे ऊंचाई पर वो बैठेगा सदा सदा। और वो तारा वो लोक ही ध्रुव लोक कहलाता है। तो मथुरा भूमि पर, जिस मथुरा भूमि पर ध्रुव ने भगवान विष्णु को की आराधना की, उसी मथुरा भूमि पर आदि शंकराचार्य वहां पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। उस समय बौद्ध और जैनों का बोलबाला था मथुरा में। वो तो तीर्थाटन करने के लिए आए थे, तीर्थ करने के लिए आए थे। बौद्ध जैन ने कहा शास्त्रार्थ करो, उन्होंने कहा तीर्थ करने। तीर्थ का इतना महत्व है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा तीर्थ करने आया हूं, प्रयाग जा रहा हूं, बाद में करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि कुमालिल से ये सब, तो कुमालिल की पराजय इन सब की पराजय होगी। और भगवान आदिशंकर तीर्थ राज प्रयाग, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया। अकबर इसको जानता था इसलिए उसने अल्लाहाबाद किया उसे। वो तीर्थों का राजा है, तीर्थ राज। सनातन में अर्थ सभी देव हैं, महादेव है भगवान शंकर। और किसी भी देवता के साथ हर हर नहीं लगता, लेकिन हर हर महादेव, हर हर गंगे, इन दो के साथ ही लगते हैं। तो शब्द ही ब्रह्म है, इसलिए किसी के साथ कहीं नहीं जोड़ना चाहिए। हम लोग जो उर्दू फुर्दू बहुत सारे शब्दों के मिश्रण से कुछ कुछ बनाते हैं कॉकटेल जैसा शब्दों के बड़े, तो तीर्थ राज प्रयाग, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। और तीर्थों का राजा, क्योंकि वहां त्रिवेणी, तीनों जो है नदियों का संगम है और भगवान विष्णु की प्रिय भूमि है, वहां मोक्ष मिलता है।
और वो जो तीर्थराज है, तीनों नदियों का ही नहीं विष्णु और शंकर की भी वो पुण्य भूमि है, मिलन भूमि है, इसलिए तीर्थराज। और फिर उन्होंने उनकी भी आराधना की और एक स्तोत्र की रचना की, सीता सीते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुप्तासो दिव्य पतंती। इस भूमि लोक, ये पतित पावन ये भूमि है, इसकी आराधना मात्र से, इसके स्मरण मात्र से व्यक्ति जो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और तीर्थ प्रयाग की आराधना करने के बाद वो कुमारी भट्ट की तरफ बढ़े। इस पूरे क्रम से आपको समझ में आएगा कि यदि आपका उद्देश्य तीर्थ यात्रा है तो उसके बीच में कई कालनेमी आएंगे। उन लोगों ने शास्त्रार्थ को कहा तो मन को विचलित किए बिना अगर तीर्थ में ध्यान लगा है तो परमात्मा का बुलावा आपके लिए हमेशा है, उसके द्वार हमेशा खुले हुए, पर आपका ध्यान एक निष्ठ हो। इसलिए आदि शंकर ने वहां बौद्ध जैनों से चाहता है कि ये तो चीटी, उनको तो तुरंत मसल देते। और यदि तीर्थ क्षेत्र में आप गए हैं तो आप किसी से मिलने भी गए हैं कुछ भी, सबसे पहले उस तीर्थ भूमि को प्रणाम करें, उसके बाद अपनी यात्रा आगे बढ़ाएं। हम क्या करते हैं, केदारनाथ में क्यों विप्लव आया? आज की पीढ़ी जो आपको दिन में बताया है कि मैकाले ने धर्म को खुरेच दिया 100 साल में, जो 500 साल में इस्लाम नहीं कर पाया वो मैकाले की शिक्षा पद्धति ने कर दिया, हमारी आज की पीढ़ी से हमारे धर्म को खुरेच दिया और केदारनाथ को हनीमून स्पॉट बना दिया। भगवान शंकर का प्रलय तो आना ही था। तो तीर्थ के यानी मन की शुद्धता, मन की शुद्धता तब तीर्थ। और तीर्थ करने गए हैं तो सर्वप्रथम तीर्थ, बाकी द्वितीय द्वितीय स्थान पर है आपका बाकी काम। तो आदि शंकर से हम अपने महापुरुषों से सीखते ही तो हैं। वहां वो गए और कुमारिल भट्ट और शंकर में जो शास्त्रार्थ हुआ है, मेरी एक पुस्तक है वो अब समाप्त है, उसके ऑर्डर तो मत दीजिएगा, समाप्त है आशुतोष महाराज, उसमें मैंने उसकी पूरी व्याख्या की है, वर्णन की है। तो मैं आदि शंकर के प्रति आज से नहीं, उनकी प्रति मेरी जो आस्था है वो बहुत पुरानी है, बहुत उनसे आदि शंकर को पढ़ने के बाद मन में बड़ी बड़ी शांति मिलती है। तो इस पुस्तक में मैंने, और मुझे ध्यान है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कई परे लेवल के लोग की, अरे आदि शंकर का ये शास्त्रार्थ तो मैंने आप सबसे कहा कि आदि शंकर और कि जो शास्त्रार्थ है उनको भी मैं संकलित करके आप लोगों तक उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, परमात्मा ही करेंगे, प्रयास ही हो सकता है। तो फिर वो आदि शंकर जो है कुमारिल भट्ट के बारे में सूचना मिली कि वो तो तुषाग्नि में यानी कि अग्नि समाधि लेने जा रहे, और शंकर तो वेद व्यास की अनुमति लेकर उनसे शास्त्रार्थ करने आए। जब वो उनके पास पहुंचे तो शंकर के चेहरे का तेज देखते, और शंकर का नाम, आदि शंकर का नाम तो पूरे भारत में हो गया था, इतने प्रकांड विद्वानों को हराते हुए वो आ रहे हैं। सोशल मीडिया नहीं था पर मानव मन तो था, मानव जिसको आज हम बोलते हैं कि जो मुंह से एक दूसरे का जो प्रचार होता है, तो उस समय प्रकांड विद्वान जब हार रहे थे और जो कुमारिल भट्ट बौद्धों को हरा रहे थे, दूसरी तरफ कोई और हरा रहा है, पता तो चलेगा। और शंकर की आभा, उस आभा से ही कुमारिल अग्नि पर समाधि लेने जा रहे हैं, और वो उस आभावान उस ब्राह्मण को देखकर वो ठिठकते हैं, रुकते हैं। सारे बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित वहां पर, क्योंकि उस समय का सबसे प्रकांड विद्वान और सबसे प्रकांड विद्वान अग्नि समाधि लेने जा रहा है, उस प्रकांड विद्वान को हराकर ही शंकर उससे बड़े विद्वान हो सकते थे, जो वेद व्यास जी ने कहा। तो शंकर
से अभी अभी वो आचार्य हैं, उससे अभी कुमारिल भट्ट की जो स्थिति है वो ऊंची। शंकर उनको परास्त करके, लेकिन वो तो अपनी समाधि लेने जा रहे हैं, और पूरा भारतवर्ष के विद्वान वहां जमा है, काशी से प्रयाग सब जगह से जो है पूरी भीड़ जमी है। भीड़ को हटाकर वो पहुंचे वहां, और शंकर को देखते ही उन्होंने जो है पहचान लिया, और उन्होंने उनके वचन, हे मतिमान, मैंने जन्म जन्मांतर में अनेक पुण्य का अर्जन किया था, इस कारण ये मेरा अंतिम समय है, और आप दर्शन देने आ गए, मैं कृतार्थ हो गया। जो विद्वान होते हैं वो एक दूसरे को पहचान जाते, देव पहचानते। तो हे महानुभाव, मेरा जन्म तर गया, मुझे साक्षात मोक्ष मिल गया, क्योंकि जब मैं अंतिम वेला में हूं, आप ने पधारने का कष्ट किया, अपने दर्शन देने का कष्ट किया। संसार के सुख दुख काल के अधीन है, हम दुखी हो जाते, दुख आता है और सुखी हो जाते हैं, फिर सबको भूल जाते हैं अहंकार में। और कहा गया है, महादेव जब तुम्हें सुख देते हो, दुख देते हो तो उतना मत घबराओ, सुख देते हो तो घबराओ, क्योंकि महादेव चुपके से तुम्हारे अंदर अहंकार का बीज भी बो देते, और जितना जितना अहंकार उठेगा, तुम महादेव के भक्षण के उतने ही पात्र होते जाओगे। रावण तो बड़ा कोई उदाहरण नहीं। इसलिए जब सुख आए तो उसे परमात्मा को सौंप दो, स्वयं को उसमें उपस्थित मत करो, भगवान अहंकार का भक्षण कर। तो सुख और दुख काल के अधीन है, वो व्यक्ति के अधीन नहीं, वो तुम्हारे अधीन नहीं है, काल से बड़ा कुछ है नहीं। तो कुमार लिखाते हैं कि सुख और दुख तो काल के अधीन है, और मैंने कर्म मार्ग का निर्णय लिया है, न्यायिकों के सभी युक्ति तर्कों का खंडन किया है, सांसारिक सुख दुख का भी अनुभव किया है, परंतु मैं काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता। काल का अतिक्रमण कौन कर सका है? हमारा जीवन बहुत सारे व्यर्थ प्रमाद में बीत जाता है। प्रमाद यानी ये जो वाचालता है, कुछ से कुछ, कहीं से कहीं, कुछ भी कर रहे हैं, यानी हमारी चेतना जागृत नहीं, हम प्रमाद में पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, और काल का पहिया चल रहा, काल का पहिया चलता जा रहा, तो मैं काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता। हे आचार्य, मैं भले शास्त्रार्थ में पूरे भारत को जीत जाऊं, पर मैं काल को नहीं जीत सकता। और जिसे जिसे ये बोध हो गया कि वो काल को नहीं परास्त कर सकता, वो काल से पड़े नहीं है, काल से पड़े सिर्फ दो ही हैं, एक महाकाल एक महाकाली, जो काल के परे जब भी प्रकृति पर लय आता है, उसकी स्थापना के कार्य भगवान विष्णु जन्म भी लेते हैं, मरण को भी प्राप्त होते हैं, महाकाल शिव उस काल को काल से भी परे, काल उनके अधीन है, और शक्ति में महाकाली, काल उनके अधीन है, और कोई काल से मुक्त नहीं हो सका है, कोई मुक्त नहीं हो सका। और महादेव वो जो प्रेम है माता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अर्धांगिनी के प्रति, भार्या के प्रति, महादेव का प्रयोग है महाकाली, और महाकाली की जो महादेव का प्रयोग यानी महादेव की ज्ञान की सबसे उच्च अवस्था है महाकाली, और महाकाली की शक्ति की उच्च अवस्था है महाकाल शिव। तो काल को इन दोनों के अलावा कोई अतिक्रमण कर ही नहीं सकता। तो कहते हैं कुमार भट्ट कि मैं काल का अतिक्रमण तो कर नहीं सका, न कर सकता हूं। जब बौद्धों के प्रभाव से वेदोक्त धर्म और आचार, धर्माचार यानी धर्मयुक्त आचार, धर्मयुक्त व्यवहार, धर्मयुक्त आचरण, धर्माचार,
धर्माचार के जो अर्थ हैं, धर्म से पगा हुआ आचरण। तो ये जो बौद्धों के प्रभाव से वेदोक्त धर्माचार यानी वेद द्वारा बताए गए धर्म जो है आचरण, वेद ही धर्म है, वेदोक्त वेद द्वारा स्वीकृत, वेद द्वारा श्रुति, वेद से आच्छादित जो आचार, जो वेद के अनुसार जो आचरण, वो लुप्त प्राय हो गए थे, इस संसार से कर्म कांड समाप्त हो गए थे। और हम कर्म कांड का विरोध करें, काफी लोग करते हैं, लेकिन कर्म कांड से ही धर्म का प्रचार होता है। इसलिए वेद से कि कर्म कांडों को एक जगह जो ब्राह्मण ग्रंथों में उनको संकलित किया गया, आप ध्यान में बैठे हैं, आप अध्यात्म हैं, ये आपकी पुनः अपनी यात्रा है, व्यक्ति की होनी ही चाहिए, यही यही परम है। परंतु उसका जो प्रथम चरण है वो कर्म कांड इसलिए है क्योंकि आपके कर्म कांड को देखकर समाज धर्म का आचरण सीखता है। इसलिए कर्म कांड दिखाने के लिए आवश्यक है, प्रचार के लिए आवश्यक है, धर्म के प्रचार के लिए आवश्यक है। यदि आप बार बार जाते हैं भगवान शिव के दरबार, रोज गंगा जल चढ़ाते हैं, रोज जल चढ़ाते हैं, रोज दूध चढ़ाते हैं, और परमात्मा की कृपा है और आप उन्नत होते हैं, तो पूरा गांव कहेगा अच्छा वो भगवान शिव की ही कृपा से, और सारा गांव उस धर्माचार को, उस धर्म युक्त आचरण का अनुकरण करेगा, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसलिए कर्म कांड के जिन्होंने सीधे विरोध किए हैं उनकी संस्थाएं लुप्त। कर्म प्रथम चरण है, ज्ञान उसके आगे की चरण, और लोकाचार के लिए, लोक के लिए, आम जनता के लिए कर्म कांड था, और विशिष्ट जनता के लिए यानी उसका जो अगला चरण वो ज्ञान की यात्रा है। ज्ञान हर और पुराण आम जनता के लिए, वेद वही ज्ञान की यात्रा जिसको कही आप अभिजन विशेष लोगों के लिए। तो समाज मास और क्लास ऐसे समझिए अंग्रेजी में। तो जनता सीखती कैसे, कर्म कांड से सीखती। सभी जगह परमात्मा है हम सब मानते हैं, पर कोई ईंट पे जाके चल चढ़ाओगे, लेकिन शिवलिंग देखते ही जल भी चढ़ाओगे और नमन भी करोगे, ये भी कर्म कांड। जो हमारे राम मंदिर के लिए कई लोगों ने कहा अस्पताल बनते, ये बनते, वो बनते, भगवान तो सब जगह है, जरूरत क्या है, मूर्ति की कोई जरूरत नहीं है, उनसे कहिए अपने पिता की फोटो उतार और दो चार चप्पल उसमें खींच दे, देखो तो सही परमात्मा को गाली दे रहा, अपने पिता की तस्वीर नीचे रख, दो चार चप्पल खींच दे, तुम्हारे पिता तो तुम्हारे ही है, फोटो में चप्पल मारने से क्या होता है, वो नहीं कर पाए क्योंकि वो कर्म, वो एक प्रत्यक्ष दिख रहे कि मेरे पिता, तो वो तो परमात्मा। तो वेद युक्त जो कर्म कांड थे वो लुप्त हो रहे थे, और मैंने उन्हें पुनः, हे यतिराज, मैंने उन्हें पराजित कर यानी बौद्धों को पराजित कर वेद की प्रामाणिकता की प्रतिष्ठा की, परंतु मैंने जीवन में दो अपराध कर दिए, और इसीलिए आज उस अपराध के परिमार्जन के लिए अग्नि समाधि ले रहा। क्या अपराध किए? कल परसों की कथा आपको सुनाया था कि उनके जो गुरु थे धर्मपाल, उन्होंने कुमारिल भट्ट ने अपने गुरु को परास्त किया था, बौद्ध गुरु को, शास्त्रार्थ में अपने गुरु को, जो बौद्ध गुरु थे नालंदा के कुलपति थे, और जो धर्म जो शास्त्रार्थ में परास्त हो जाएगा वो पराजित करने वाले के धर्म को धारण करेगा अथवा शरीर त्याग देगा। तो धर्मपाल ने कहा कि तथागत बुद्ध में मेरी आस्था विलुप्त नहीं हुई है, मैं पराजित हुआ हूं क्योंकि कुमार तुम्हारी प्रतिभा उन्नत है, लेकिन मेरी आस्था भगवान बुद्ध में बनी हुई है, इसलिए मैं
समाधि लूंगा, मैं अपने प्राण का त्याग करूंगा। और धर्मपाल ने प्राण का त्याग किया। तो कुमारिल वहां से दिग्विजय पर निकलते हैं, भारत को जीतते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं कांटा है कि मेरे कारण मेरे गुरु को प्राण त्यागने पड़े। कितना उन्नत और कितना नैतिक समाज था। अंग्रेजों को लगा कि ये तो गुरु शिष्य परंपरा भारत को बड़े वैभव की ओर ले गई है। उसने सबसे पहले ध्वंस किए। जब ब्रिटेन और यूरोप में एक दो स्कूल तक नहीं थे, यहाँ हजारों गुरुकुल थे, और पूरी गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त किया। गुरु को परास्त करने वाले शिष्य के हृदय में कहीं फांस रहा, और उनका ये पहला अपराध था कि अपने बौद्ध गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित कर उनके जीवन के नाश का मैं कारण बना। मुझे इस जन्म में बिना अग्नि समाधि मुक्ति नहीं मिलेगी। और दूसरा, मैंने जैमिनी का जो मीमांसा दर्शन है, उसमें एक निष्ठ चित्त से ईश्वर असिद्ध है ऐसा प्रमाणित करना चाहा। तर्क तर्क होते हैं, और सनातन में तर्क शास्त्र की पढ़ाई होती है, न्याय शास्त्र धर्म में और धर्म शास्त्र तर्क शास्त्र। तो ईश्वर असिद्ध है, आज के वैज्ञानिक कहते हैं ना कि ईश्वर साबित करो, बताते हो ईश्वर को साबित करो। तो अपने तर्क अपने जीतने के लिए जैमिनी के न्याय जो मीमांसा शास्त्र का खंडन करने के लिए कुमारिल ने कहा ईश्वर असिद्ध है। पर ये बात तो खटक गई कि ईश्वर साक्षात है, ये तो पूरा सृष्टि उसी का रूप है, ईश्वर असिद्ध कैसे? यदि साइंस कहे कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, साइंस तो ये कहता है ऊर्जा का रूपांतरण होता है, परमात्मा क्या है? हमारा सिद्धांत क्या है कि शरीर का रूपांतरण होता है, आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। ये तो सनातन सदियों से कहता आया है। और हमारे यहाँ आर्किमिडीज और उन लोगों ने जो कहा कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, यही कहा ना साइंस में, तो सनातन सदियों से कह रहा आत्मा नष्ट नहीं होती, यानी आत्मा जो परम ऊर्जा, तो ईश्वर तो सिद्ध है, इति सिद्धम। पर इन्होंने तर्क के लिए कहा ईश्वर असिद्ध है, पर ये खटक गई अंदर बात। तो मीमांसा जैमिनी के मीमांसा को तो काट दिया, लेकिन अंदर खटक गई कि परमात्मा तो ये है, पूरी सृष्टि ही परमात्मा है, वो कैसे असिद्ध हो सकता है? ये दो बात, और उन्होंने अग्नि समाधि का निर्णय लिया। और इसी कारण मैं तुषानल में प्रविष्ट हुआ हूं। हे आचार्य, अब आप कहिए आप क्यों आए? आचार्य देख रहे हैं कि आदमी अग्नि समाधि ले रहा है, और कितने सुंदर मन से वचन से वो कष्ट के चेहरे पे कोई कष्ट नहीं है, वो वार्तालाप कर रहे हैं। आचार्य शंकर ने कहा मैं महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा से आपके पास आया हूं। मैंने अद्वैत सिद्धांत के प्रचारार्थ प्रचार करने के लिए, इसलिए सारे सनातनियों से आग्रह है कि यह संविधान अनुच्छेद 25 से 30 तक तुम्हें अनुमति नहीं देता, ना दे। वो अनुमति तुम्हारे संस्थागत प्रचार के लिए, यानी स्कूलों के जरिए, संविधान के जरिए, लेकिन तुम्हारे अधिकार वो नहीं छीन रहा। ये जो आज सत्संग हो रहा है डिजिटल, ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने धर्म का प्रचार करूं। मुझे कई कालनेमी कहते हैं कि तुम धर्म पे बोलने लगे, मेरा ये अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए, और आदि शंकर कह रहे हैं धर्म का प्रचार करने के लिए, वेद व्यास कह रहे हैं धर्म का प्रचार करने के लिए, और पूरे सनातन के प्रचार के लिए भगवान शंकर ने अपने अंश को इस पृथ्वी पर उतारा। तो धर्म का प्रचार मेरा सबसे बड़ा अधिकार। तो आदि शंकर कह रहे हैं कि अद्वैत सिद्धांत के प्रचारार्थ और ब्रह्म सूत्र आदि प्रस्थान त्रय के मैंने भाष्य लिखे हैं। प्रस्थान त्रय मैंने पिछले अंक में समझाए, ब्रह्म सूत्र पे भाष, उपनिषदों पे भाष, गीता पे भाष, यहां से टिक ऑफ होता है।
सनातन को की यात्रा जो है, और कह रहे हैं कि मेरे मत को आप ग्रहण कीजिए और उस पे आप अपनी वार्तिका लिखिए, भाष्य लिखिए, काटिए मन के मेरे, क्योंकि ये वेद व्यास जी ने मुझे भेजा है कि आप के साथ शास्त्रार्थ करूं और आप मेरे मत को ग्रहण कीजिए और मेरे भाष्यों का वार्तिका लिखिए, भाष्य पे प्रतिभाष्य ये चलता था, वार्तिका लिखिए। कुमारिल मुस्कुराते हैं, थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं ये मेरा अंतिम काल है और मेरे पास अब शास्त्रार्थ का अवकाश नहीं है। ब्रह्मसूत्र पर आपने भाष्य लिखे ये मैं जानता हूं, परंतु वेद व्यासकृत ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय पर मैंने 8,000 श्लोक वार्तिका की रचना की थी। दूसरे अध्याय के विषय में बहुत कुछ कहने को था, परंतु अब वह नहीं हो सका क्योंकि मेरा अंत समय आ गया है। यदि आप पहले आते तो यह संभव हो जाता और मुझे बहुत सुंदर आनंद मिलता, लेकिन अब मैं अग्नि तूषा नाल में प्रवेश कर चुका हूं और जब मैं प्रवेश कर चुका हूं तो अब मैं लौट नहीं सकता। आदिशंकर कहते हैं, आदिशंकर उनके चमत्कार की कथा आपको बताता है कि मैं अपनी अग्नि से इस तुषानल को मैं ध्वस्त करता हूं, इसकी अग्नि को सोख लेता हूं, आप इससे बाहर आइए। हे ब्राह्मण, मैं जानता हूं कि वेद विरोधियों के मतों का निराकरण करने के लिए आप स्वयं कार्तिकेय के अंश से उत्पन्न हुए, भगवान स्कंद, स्कंद कार्तिक, और मैं शास्त्र की मर्यादा प्रचार के लिए सत्य व्रत का अवलंब किया है मैंने। मैं अपने कमंडल का जल आप पर छिड़कता हूं, ये अग्नि अभी शांत हो जाएगी और आप सनातन के लिए मेरे भाष्य की वार्तिका लिखे, यानी एक दूसरे का खंडन मनन की परंपरा रही है हमारी। एक दिन मैंने लिख दिया खंडन मनन की ताती की स्वामी दयानंद जी के भाष्य पर कर्पात्री जी महाराज ने खंडन किया, फिर स्वामी दयानंद जी के शिष्य ने भी बाद में उनका खंडन किया, ये हमारी परंपरा है। पर आज तो अंधान कहते हैं ना कि पढ़ने और ज्ञान से ज्यादा अंधानुकरण, इतने गाली पड़े मुझे कि वो गाली भी मैं भूल गया क्या क्या गाली पड़े। तो कुमारी कहते हैं हे आचार्यवर, मैं वेदोक्त विधान व्रत से मैं व्रती हूं, मैं वेद के अनुसार व्रती हूं और मैं अब अपने वचन से कैसे पलट जाऊं। जिनको आश्चर्य लगेगा उनको, जो गौरी के साथ आया था अलबरुनी, रजनी गौरी के साथ थी अलबरुनी, तो 1,000 साल के पुराने इतिहास है, आप उसको पढ़िए। वो कह रहा है हिंदू जो हैं वो हाथ में जल लेते हैं और वो झूठ नहीं बोलते, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, यानी गंगा जल के लिए कह रहा है, और कह रहा है हिंदुस्तान में कोई झूठ नहीं बोलता। वो 1,000 साल जब तक सनातन का प्रभाव रहा, कह रहा है कोई झूठ नहीं बोलता, कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, और मैंने तो अपने बचपन देखे, मैंने घर में कभी ताले नहीं लगे, दरवाजे पर सब सोते थे, रात में दरवाजे खुले रहते, कुत्ता उत्ता के ना आ जाए इसके लिए भिड़का दिया जाता था। तो वो लिख रहा है तब, लेकिन 500 साल मुगल और ब्रिटिश शर्त ने सबसे ज्यादा, आप अगर देखोगे कल्चरली आपके सांस्कृतिक रूप से, ब्रिटिश शर्त ने जितना हमें खुरेचा है,
इस्लाम बुद्धि की लड़ाई नहीं, इस्लाम तलवार की लड़ाई लड़ता रहा, और ब्रिटिशर तो बुद्धि की लड़ाई से हमारे घर के बच्चे को ही हमारे विरुद्ध कर दिया। इसलिए धर्म का आचरण हम भूल गए, परंतु जो वेद को जानते हैं वो अपने आचरण कैसे भूले। और उन्होंने कहा कि जब मैं ये करूंगा तो लोक निंदा सबसे बड़ी, लोक निंदा जो है उससे बड़ा कोई, उसके वो उससे बड़ा कोई अपयश नहीं है। उन्होंने कहा मैं लोक निंदा से नहीं बच सकता, कि यदि मैं सोसा नल ये अग्निशमादि पर बैठ कर उठ जाऊं ये तो लोक निंदा, मैं परलोक में क्या जवाब। और जिसको ईश्वर में आस्था है वो परलोक की बात कहेगा। मैंने एक दिन कहा कि मैं महादेव को क्या जवाब दूं, तो मुझे कुछ उद्दंड टाइप के सरकारी हिंदुओं ने कहा महादेव तुझसे पूछने आएंगे, उद्दंड टाइप जिनको धर्म का ही ज्ञान नहीं। तो उन्होंने कहा परलोक में क्या जवाब दूंगा मैं, और मैं जानता हूं कि आपकी शक्ति आप इतनी है कि अग्नि बुझ जाएगी, शांत हो जाएगी, लेकिन हे आचार्य मुझे मत रोकिए, मुझे लोक निंदा का पात्र मत बनाए, परंतु मेरा एक शिष्य है, शास्त्रार्थ में वो मुझसे भी बढ़कर है, यदि आपने उसको परास्त कर दिया तो समझिए आपने मुझे परास्त कर दिया। उसका नाम मंडन मिश्र है, और मैं जहां से अभी बोल रहा हूं वो मंडन मिश्र की यही धरती है, मिथिला की धरती। और उस मंडन मिश्र को अगर आपने परास्त किया तो आपने दिग्विजय यज्ञ जीत लिया, उसको परास्त कर दिया तो आपने भारतवर्ष के दुनिया के सारे धर्माचार्यों को परास्त कर दिया। वो उद्भट विद्वान है, मेरा प्रिय शिष्य है, लेकिन आपके और उसके बीच का जो शास्त्रार्थ है उसका जो जज है, मध्यस्थ जो देखेगा, उस स्तर का कोई नहीं है। वो मंडन की पत्नी ही है भारती, वो साक्षात सरस्वती है, वही आपकी मध्यस्थ होगी, और किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि आपके और उसके शास्त्रार्थ के बीच वो मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन कर सके। वो सर्व विद्या शारदा, और कहां कहीं कहीं लोग लिखते हैं कि जो ये शायद उनकी भगिनी ही थी, शायद कहीं कहीं लिखा गया है कि कुमारिल की भगिनी थी। तो विद्वान, परम विद्वान, पूरे भारतवर्ष में उस जैसी विदुषी स्त्री अब कोई नहीं। तो वेद स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ सकते, ये तो और खंडित होता है। इस बात से तो उस समय उस भारतीय शारदा से बड़ी विदुषी कोई भारत, जो शंकर के शास्त्रार्थ की मध्यस्थ की कोई स्त्री, वो पश्चिम के देश सुने जिन्होंने महिलाओं को जिंदा जलाया, वो अरब के देश सुने जिन्होंने महिलाओं को काले टेंट में बंद किया, सुने कि शंकर और मंडन के शास्त्रार्थ में अगर कोई मध्यस्थ हो सकता है पूरे भारत में वर्ष में, तो मंडन की पत्नी हो सकती है। उस स्तर का कोई विद्वान था ही भारतवर्ष। ये हरे और सफेद सुने वो गार्गी मैत्री शारदा, इस स्तर की एक महिला उन्होंने दिया हो वो सुने। हमें कहा जाता है कि हम शूद्र विरोधी और स्त्री विरोधी वेद, हमें कहा जाता है और कहा जाएगा, क्योंकि हिंदू पढ़ता नहीं। थोड़ा सा भी अध्ययन हो जाए तो थोड़े से अध्ययन से इनको परास्त कर सकते हो, क्योंकि ये खोखले लोग हैं, ये खोखले धरातल पर रेत पर खड़े हैं, इनके नीचे बस पानी डालना है, धस जाएंगे, पर ज्ञान का पानी। तो उन्होंने अनुमति कहा कि हे आचार्य अब मुझे अनुमति दीजिए, और मैं अग्नि का अब स्पर्श जो है कर रहा हूं, अग्नि जो है मेरे पास आ रही है, और
आप मेरे लिए तारक ब्रह्म मंत्र सुना दीजिए। आप तारक ब्रह्म मंत्र सुनाइए और मैं सुनते सुनते अग्नि समाधि में विलीन हो जाऊंगा। कुमारी जलते रहे और आचार्य शंकर तारक ब्रह्म मंत्र कहते रहे, और तारक बन जो तारक ब्रह्म मंत्र इस समाप्ति के साथ कुमार लील दुनिया से अग्नि समाधि के साथ विदा हो गए। शंकर कुछ क्षण मौन रहे। कितने ही विद्वान हो अगर आपके सामने एक मृत्यु घटती है तो मृत्यु तो मृत्यु है, और कुमार लील की जो आत्मा है वो मोक्ष को प्राप्त हुई। और उनको प्रणाम कर, उनके चिता को प्रणाम कर आदि शंकर मंडन मिश्र की खोज की ओर निकल गए। अब अगला अंक मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ का होगा, तो और उस शास्त्रार्थ में आगे आपको पता चलेगा कि आदि शंकर कितने बड़े तंत्र के भी ज्ञाता थे, यानी निगम शास्त्र के ज्ञाता और अगम शास्त्र के ज्ञाता, जहां सारी ज्ञान की धारा जिसे एक व्यक्तित्व में समाहित हो गई हो, आदि शंकर ऐसे थे। तो आज के लिए इतना ही।